हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूज़र डिफ़ॉल्ट क्या है, कैसे हम अपने एप्लीकेशन में यूज़र डिफ़ॉल्ट का यूज कर सकते हैं और क्यों हम यूज़र डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्विफ्ट में यूज़र डिफ़ॉल्ट एक क्लास है जिसका यूज़ हम एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा को स्टोर करने में करते हैं। अगर कोई हमारे पास डाटा है जिसको हम स्टोर करवाना चाहते हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 100 KB है, ठीक है ना, तो वहाँ पर यूज़र डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना डाटा सेविंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके स्टोर जो भी डाटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं उसकी वैल्यू अगर मोर देन 100 KB है तो यूज़र डिफ़ॉल्ट एक गलत ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यूज़र डिफ़ॉल्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें एक प्लस बटन है और ये प्लस बटन नेविगेशन कंट्रोलर के ऊपर ऑलरेडी सिचुएटेड है और हमारे पास इसमें 4 डाटा है। ये डाटा हमने आइटम अरे में पहले से ही क्रिएट करके रखा है और हमारे पास एक टेबल भी है। तो इसको चलते हैं तो कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये हमारे पास जो अरे है जो जिसमें ये सब डाटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो ऐड बटन है, ऐड बटन के ही एक्शन पे हम एक पॉपअप ओपन करवा रहे हैं और उसी पॉपअप के थ्रू हम इस अरे में डाटा सेव करवा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो जैसे ही मैंने इस पे प्लस बटन पे प्रेस किया वैसे ही हमारे पास एक कंट्रोलर और अलर्ट स्क्रीन और पॉपअप ओपन होता है और इसी पॉपअप में टेक्स्ट फील्ड के थ्रू हम इसमें हमारे पास जो अरे है इसमें हम डाटा ऐड करेंगे। तो चलिए दो नाम ऐड करते हैं हम सबसे पहले। चलिए मैंने ये नाम ऐड किया राज और ये नाम यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद मैं एक नाम और ऐड करता हूँ, और ये दो नाम ऐड कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को हम एक बार टर्मिनेट करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। चलिए अब इसको एक बार फिर से रन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने एप्लीकेशन को रन किया तो जो नाम हमने ऐड किए थे, मैंने राज और सचिन जो दो नेम ऐड किए थे अपने इस अरे में, तो वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, इरेज हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली जब हमने नेम ऐड किया तो वो जो नेम थे वो टेम्परेरी स्टोरेज असाइन किया हमारे एक्सकोड ने, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन टर्मिनेट हुआ तो वो नेम भी गायब, उनका स्टोरेज भी डिलीट हो गया और वो नेम भी गायब हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन नेम्स को हमने ऐड किया था, ठीक है ना, उन्हें हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया, उनके लिए हमने कहीं पे परसिस्टेंट मेमोरी प्रोवाइड नहीं की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़र डिफ़ॉल्ट। तो जो भी डाटा हम ऐड करेंगे अरे में उसको हम कहाँ सेव करेंगे, यूज़र डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कैसे हम यूज़र डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें डाटा सेव करेंगे और कैसे उस डाटा को रीड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने अरे में चलते हैं, ठीक है ना। यहीं पे हम क्या करते हैं, यूज़र डिफ़ॉल्ट एक क्लास है, आपको पता है, यूज़र डिफ़ॉल्ट क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट डिफ़ॉल्ट्स इज इक्वल टू यूज़र डिफ़ॉल्ट्स डॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। हमने इस तरीके से एक यूज़र डिफ़ॉल्ट क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ हम हर जगह करेंगे, ठीक है ना। अब हम कैसे डाटा सेव करते हैं, ठीक है ना, कैसे डाटा हम सेव करते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे देखिए, ये हमारा अरे का हमारा नाम क्या है, आइटम। हमारे अरे का क्या नाम है, आइटम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्शन पे जैसे ही हम यहाँ पे अपने सिमुलेटर में ऐड आइटम का ये एक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, आइटम डॉट अपेंड, हमारे अरे में अपेंड हो रहा है डाटा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, डाटा तो अपेंड हो गया, अब जो डाटा अपेंड हुआ है उसको हम क्या करवा देते हैं, सेव करवा देते हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसे सेव करवाएंगे, कैसे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डिफ़ॉल्ट नाम का, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का, यूज़र डिफ़ॉल्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके हम कैसे डाटा सेव करेंगे, तो हम कैसे करते हैं, डिफॉल्ट
डॉट सेट, हम सेट का यूज करेंगे सेट। इसके बाद जो भी डाटा हमें सेव करवाना है उसकी हम वैल्यू रखेंगे, की वैल्यू फॉर्म में हमें डाटा, हम डाटा हमेशा यूजर डिफाइंड में सेव करवाते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू हम क्या डाटा सेव करवाना चाहते हैं, हम आइटम अरे, आइटम आइटम हमारे पास जो अरे है उसका नाम क्या है, आइटम। उसके बाद हम एक कॉमा देंगे, इसके बाद फॉर की, ठीक है ना। की का नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन वो हमेशा किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यूजर डिफाइंड के मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के नीचे लिंक में मेरे ब्लॉग का लिंक दिया गया है, उसमें आप अच्छे से यूजर डिफाइंड को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें डाटा आपको कैसे स्टोर करवाना है, सेव करवाना है, सारी जानकारी दी है। तो इस ब्लॉग, उस ब्लॉग के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर की आप नाम क्या देते हैं, लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट कर देते हैं, फ्रेंड्स ही कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने डिफॉल्ट डॉट सेट हमने डाटा सेव करवा दिया। अब हमें यहाँ पे देखने की बात ये है कि हम यहाँ पे क्लोजर के अंदर है, ठीक है ना। हम क्लोजर के अंदर, तक जब भी हम क्लोजर के अंदर होते हैं तो हमें क्या कर, क्या देना पड़ता है, एक रेफरेंस देना पड़ता है, वो क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ डॉट डिफॉल्ट सेट आइटम फॉर की, ठीक। इस तरीके से डाटा हमने स्टोर करवा दिया, होल्ड कुछ बोल जाएगा, तो अब हमने यहाँ पे डाटा, हमने यूजर डिफॉल्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने डाटा सेव कराया, अब हम उस डाटा को क्या करवाएंगे, रीड करवाएंगे, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे रीड करवाएंगे, व्यू डिड लोड की, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होगा उस वैसे ही वो डाटा कहाँ से रीड करेगा। अभी वो डाटा कहाँ से रीड कर रहा है, इस अरे से रीड कर रहा है, ठीक है ना। तो अरे में तो डाटा सेव हुआ, अब जैसे एप्लीकेशन लोड हो तो वो डाटा कहाँ से रीड करे, हमारे यूजर डिफॉल्ट से डाटा रीड करे, ठीक है ना। डाटा अपडेट हमने कर दिया, ऐड कर दिया, वो डाटा रीड कहाँ से करे, यूजर डिफॉल्ट से। तो हम सबसे पहले रीड कैसे कराएंगे, तो हम क्या क्या लिखेंगे, फिर से उसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, डिफॉल्ट डॉट। अब हमने देखिए डाटा जब हम रीड करवाते हैं, सबसे पहले हम किसका डाटा रीड करवा रहे हैं, एक अरे का डाटा रीड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अरे की जगह पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अरे लिख सकते हैं, या फिर कोई वैल्यू जो आपको सुटेबल लगे। तो जैसे हम यहाँ पे अरे को स्टोर करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रीड करने के लिए भी अरे का लिखेंगे, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट डॉट अरे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने अरे लिखा, वहाँ पे उसकी सजेशन आ गया, अरे फॉर की। अगर आप इंटीजर को स्टोर करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट इंट लिख सकते हैं, बुलियन को स्टोर करवा रहे हैं तो डिफॉल्ट डॉट बूल लिख सकते हैं। डिफॉल्ट डॉट अरे फॉर की, हमारा की क्या था, फ्रेंड्स की। यहाँ पे मेन जो है, जो वैल्यू हम फिच करेंगे कहाँ से फिच करेंगे, की से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम की को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये जो डाटा हम रीड करवा रहे हैं, ठीक है, वो डाटा हम किसको दे रहे हैं, आइटम को, ठीक है ना। तो ऐसा हम लिखते हैं कि आइटम, आइटम इज इक्वल टू डिफॉल्ट डॉट अरे फॉर की फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अगर आप डाटा रीड करते टाइम अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, जैसे मान लीजिए वो अरे है, डिक्शनरी है, डेट फॉर्मेट में है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसका टाइप कास्टिंग करेंगे, उसका हम टाइप कास्टिंग करेंगे और ऑप्शनल टाइप कास्टिंग करेंगे और ऑप्शनल में चेक करेंगे, ठीक है ना। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। चलिए हम यहाँ पे इसका टाइप कास्टिंग कर देते हैं कि इफ लेट आइटम अरे, इसका नाम दे देते हैं आइटम अरे कर देते हैं। इफ लेट का यूज कैसे करते हैं आपको पता होगा, इफ लेट आइटम अरे, नहीं पता है तो आप इसके लिए चेक कर सकते हैं गूगल पे। इफ लेट आइटम अरे इज इक्वल टू डिफॉल्ट डॉट अरे फॉर की एज अ फ्रेंड एज का यूज करके मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं ऑप्शनल टाइप कास्टिंग करूंगा एज स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा जो अरे है किस टाइप का है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे। अगर हमारा जो यूजर डिफॉल्ट है, ठीक है ना, वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उस टाइप में हम क्या करेंगे, नहीं स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, अगर उसमें डाटा है, ठीक है ना, और वो स्ट्रिंग टाइप का है, उस कंडीशन में हम क्या परफॉर्म करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा आइटम अरे होगा, जो हमारा ये आइटम होगा वो किसके बराबर होगा, वो आइटम अरे के बराबर होगा, आइटम अरे के बराबर होगा, ठीक है ना।
और एल्स में हमें कुछ नहीं रखना, तो एल्स का स्टेटमेंट हम यहाँ पे लीव कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा काम हो गया, हमने एक डिफॉल्ट क्रिएट, डिफॉल्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हमने यहाँ पे डाटा स्टोर करवाया है, क्योंकि डाटा में कहाँ स्टोर करवाना है, ऐड करने के बाद, जैसे ही हमने ऐड किया अपने अरे में डाटा अपेंड करने के बाद, उसके बाद हमें डाटा स्टोर करवाना है, इसलिए मैंने अपना कोड यहाँ पे लिखा है सेल्फ डॉट डिफॉल्ट डॉट सेट आइटम में। इसके बाद हमें डाटा रीड करवाना है, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड हो तो डाटा कहाँ से रीड हो, हमारे न्यू अरे से रीड हो, न्यू अरे मतलब हमारे यूजर डिफॉल्ट में जहाँ से भी हमने सेव किया है वहाँ से डाटा रीड हो, इसलिए हमने यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट अरे फॉर की हमने यहाँ पे डाटा रीड किया। टाइप कास्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डाटा टाइप हो क्या है, अरे है। अगर आपका डाटा टाइप इंटीजर है, अरे है, डेट फॉर्मेट में है, तो उस कंडीशन में आपको जरूर टाइप कास्टिंग यूज़ करना है। टाइप कास्टिंग एज एज ऑप्शनल का यूज़ करके मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो अरे है वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। अगर हमारा स्ट्रिंग टाइप का अरे होगा तो उस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, अपने इस आइटम अरे को हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब इसको चलिए एक बार रन कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें एक नया डाटा ऐड करके देखते हैं, ठीक है ना। इस बार हम कोई अलग नाम ऐड करते हैं, जैसे हम लिखते हैं सुलेश, ठीक है। अब आइटम ऐड कर दिया, नाम ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। हमने टर्मिनेट कर दिया, इसको फिर से हम एक बार रन करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ये देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि हमने डाटा कहाँ पे अपडेट किया था, आइटम अपने अरे में अपडेट किया था, उस जिसका नाम आइटम है, और जैसे अपने एप्लीकेशन टर्मिनेट किया तो वो डाटा लॉस हो गया। लेकिन इस बार हमने आइटम अपेंड करने के बाद उसको कहाँ पे स्टोर करवा दिया है, अपने यूजर डिफॉल्ट में स्टोर करवा दिया है, तो ये डाटा हमेशा हमेशा इस एप्लीकेशन में मौजूद रहेगा। तो यूजर डिफॉल्ट के डेफिनेशन के अनुसार, जैसे यूजर डिफॉल्ट की आप डेफिनेशन एक बार फिर से देखें, तो यूजर डिफॉल्ट इज यूज्ड टू बी स्टोर स्मॉल पीस ऑफ डाटा विच परसिस्ट अक्रॉस ऐप लॉन्चेस। तो या तो आप एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में भेज दें या किसी भी स्टेट में भेज दें, आपका जो डाटा है हमेशा यूजर डिफॉल्ट में सेव रहेगा, ठीक है। तो यूजर डिफॉल्ट के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक के नीचे मेरा ब्लॉग है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।